हाय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज की इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंस्टाग्राम की कुछ ट्रिक्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया हुआ तो फॉलो कर लें, ताकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, एनी क्वेश्चन करना, तो आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर आपने अभी तक मेरे चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली हर न्यू अपडेट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, सिंपल से ये मेरा इंटरफेस है मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट का, आप देख सकते हैं, यहाँ जाकर मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल सी एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम। तो मैं एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है इंस्टा प्रो। तो सिंपल, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं भूल भी जाता हूँ क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ था और दिमाग को चोट लगी थी, इस वजह से मैं भूल जाता हूँ। अगर मैं लिंक ना दे सकूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या कॉमेंट्स पर आप बता सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उसके बाद इंस्टॉल करनी है। तो वो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आपने जाकर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद ये इंस्टा प्रो है, इस पर मैंने अपना एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है, एक न्यू। तो ये मेरा लॉलीवुड का अकाउंट है। तो सिंपल सी, अगर आपने यहाँ मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसका यूज़र नेम है lollywood/dz। तो सिंपल सी, सबसे पहले मैं आपको ये तो इंटरफेस आपको दिखा दिया है, तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये डार्क मोड इनेबल है मेरे इस इंस्टा प्रो पर भी और इंस्टाग्राम पर भी। तो अगर डार्क मोड आपने इनेबल करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि डार्क मोड आप किस तरह इनेबल कर सकते हैं, तो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ मेरा जो मेन मकसद है आपको बताने का, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पोस्ट जो काफ़ी होती हैं, लोगों को प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनको सेव करने की काफ़ी को एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ती हैं, कुछ एरर वगैरह काफ़ी इनके फीचर्स भी होते हैं वो नहीं पता लगता। तो सिंपल से इसकी जो होती है, ये पोस्ट है, सिंपल आपने यहाँ डाउनलोड का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ आपने क्लिक करना है। अगर दो के दो पिक करनी है तो दो कर लें, दिस पिक करनी है तो दिस पिक कर सकते हैं डाउनलोड। और इसके अलावा अगर आप लोगों को बताऊँ तो यहाँ आप स्टोरी में जाएँ, तो स्टोरी में जाकर यहाँ आपको थ्री डॉट पर क्लिक करें, थ्री डॉट पर क्लिक करके यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं आप स्टोरी भी। तो यानी कि ये काफ़ी ना मतलब अच्छा सिस्टम है ये डाउनलोडिंग का। बाकी मैं मज़ीद आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपने जाना थ्री डॉट मैन मेन्यू पर क्लिक करना और यहाँ आपको मिलेगा इंस्टा प्रो सेटिंग। तो ये मैं आपको कुछ फीचर बताने जा रहा हूँ इंस्टा प्रो सेटिंग की। सबसे पहले उन्होंने कहा आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, ओके। दूसरा उन्होंने ये बताया आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। तीसरा आप टेलीग्राम पर हमें देख सकते हैं। चौथा अपडेट, यानी कि इस इंस्टा प्रो की अपडेट जो न्यू आती है वो क्या है। उसके बाद GB व्हाट्सएप के बारे में बताया, फ्री नेटफ्लिक्स, और उसके बाद काफ़ी ये फेक जो इंस्टाग्राम चैट है इसके बारे में आप लोगों को कल बताऊंगा। और ये आप यानी कि व्हाट्सएप पर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ आप चलते हैं प्राइवेसी। प्राइवेसी आप हाइड स्टोरी व्यूज भी कर सकते हैं, डॉट मार्कर मैसेज रीड है वो भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ जनरल सेटिंग में जाएं तो आपको काफ़ी सेटिंग यहाँ दिखेगी, यानी कि डाउनलोड मीडिया ऑन ट्रिप टैप, तो ये काफ़ी आप देख सकते हैं, आप इनेबल कर सकते हैं, अनअवेलेबल भी कर सकते हैं। और अनफॉलोइंग जो ट्रैकर होते हैं वो आपको कितने मतलब आपने इंटरवल में उनको देखना है, ठीक है, 15 मिनट, 5 मिनट, या अपडेट फॉलोअर्स लिस्ट जो होती है वो कितने होती है, मतलब कब तक करनी है। इसके अलावा सर्विस सेटिंग आ जाती है, तो वो ये बताते हैं डिजेबल करनी है, इनेबल करनी है, मेरी तो इनेबल है, आप भी इनेबल रखें तो अच्छा है। अब आती है ऐप लॉक। जो ऐप लॉक है आप इसकी ऐप को भी लॉक कर सकते हैं, सेट पिन कोड या सेट बैकग्राउंड। सिंपल सेट बैकग्राउंड पर आप कोई इमेज लगा सकते हैं या सेट बैकग्राउंड कलर भी लगा सकते हैं, और इसके बाद रीसेट भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आता है आपको डाउनलोडिंग की सेटिंग, तो काफ़ी यहाँ डाउनलोडिंग की सेटिंग आप देख सकते हैं, यानी कि आप पढ़ेंगे तो आपको कुछ समझ आ जाएगा। उसके बाद फीड एंड स्टोरीज, यहाँ आप देख सकते हैं डिजेबल स्टोरी, रिमूव लाइक पोस्ट एंड फीड्स, ये एड, यानी कि आपको एड ना शो हो, ये देखें मैंने किया हुआ है डिजेबल एड, यानी कि मुझे ना ऐड शो नहीं होते फीड्स में, तो ये काफ़ी अच्छा है। ये पॉइंट रेट है, टेक्स्ट है, टेक्स्ट रिपीटर प्रो, यानी कि आप देख सकते हैं वो आपको यहाँ आपने क्लिक करना तो ये आपको एक यहाँ ले जाएगा टेक्स्ट रिपीटर प्रो, एक एप्लीकेशन आपको इंस्टॉल करनी होगी, उसके ज़रिए आप इसके जो यानी कि कीबोर्ड है उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ आती है बैकअप सेटिंग, आप उसे सेव भी कर सकते हैं, रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो इसकी काफ़ी कुछ ये इंफॉर्मेशन है जो कि काफ़ी लोगों को नहीं पता लगता, और मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। तो मैं काफ़ी दिन से इसे यूज़ कर रहा हूँ, और ये मेरा अकाउंट है लॉलीवुड का, तो आप सिंपली मुझे यहाँ भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं किसी की स्टोरीज, किसी के सम कुछ, यानी कि जो आप जो ये टीवी होता है ना IGTV, आप सिंपल से यहाँ के इसके जो भी वीडियो आप उसे सेव कर सकते हैं आसानी से। तो यहाँ आपको ना ज़्यादा मुश्किल नहीं होती, वहाँ आपको जो कोई एप्लीकेशन ली, फॉर एग्जांपल ये जो पिक्चर है ये मैंने आप स्टार्ट कर दी, ये डाउनलोड स्टार्ट हो गई, और यहाँ अभी ये ऑप्शन आ जाएगा कि ये आपकी जो इमेज है वो सेव हो चुकी है आपकी गैलरी में। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग इसके फीचर्स हैं।
अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह एक फेक यानी कि मैसेज या चैट व्हाट्सएप पर और इंस्टाग्राम पर क्रिएट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मुझे मत भूलें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।